वेलकम स्टूडेंट बाल गोविंदम ई लर्निंग ऐप क्लास सिक्स लेसन नंबर फोर स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन हमने फर्स्टली हमने रीड आउट किया पावर पॉइंट पावर पॉइंट का ही पार्ट है स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन कि हम हमारी स्लाइड को कैसे अट्रैक्टिव करते हैं कैसे उसको लेआउट चेंज करते हैं उसमें कैसे हम डाटा को उसमें टेक्स्ट को एडिटिंग करते हैं डिलीटिंग करते हैं रीअरेंजिंग करते हैं तो हम रीड आउट करते हैं एडिटिंग अ स्लाइड इनवॉल्व एडिंग अ न्यू स्लाइड मतलब कि एडिटिंग करना स्लाइड में इन्वॉल्व इसमें इन्वॉल्व है न्यू स्लाइड को एड करना भी डिलीट अ अ स्लाइड स्लाइड रीअरेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग एंड आउट इंसर्टिंग टेक्स बॉक्स एक्सेट्रा मतलब ये सारे हम अपनी स्लाइड में एडिटिंग के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं कंटेंट ऑफ एक्सिटिंग स्लाइड्स कैन ऑल्सो भी चेंज जो हमारी फाइल्स पहले से बनी हुई हैं उसमें हमें क्या चेंजेस करना है वो भी हम इसमें कर सकते हैं फर्स्टली हम फाइल को ऐड करते हैं यू कैन ऐड एज अ मेनी स्लाइड्स न्यू स्लाइड्स इन योर हमें हमारी स्लाइड जो पहले से बनी हुई है उसमें हमें स्लाइड को हमें उसमें स्लाइड ऐड करनी है तो हम एडिंग स्लाइड ऑप्शन का यूज करेंगे ये एज यू नीड जैसे हम हमारी आवश्यकता है वेन यू एड स्लाइड जब आप स्लाइड ऐड करते हैं यू नीड टू कंसाइडर ले आउटउट द स्लाइड जब भी आप स्लाइड ऐड करेंगे तो उसको आपको एक लेआउट की भी आवश्यकता होगी कि लेआउट हमें उसमें चूज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ओपन एन एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन माई प्रेजेंटेशन फर्स्टली हमें अपनी जो एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन है जो हमारी बनी हुई प्रेजेंटेशन है उसको हम ओपन करेंगे उसका नाम हमने नाम सेव कर रखा है ऑब्वियसली एग्जिटिंग फाइल है तो आप वो सेव होनी जरूरी है देन माई प्रेजेंटेशन नेम से हम उसको ओपन करेंगे क्लिक ऑन न्यू स्लाइड न्यू स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे ऑन डाउन लिस्ट अपियर होगी हमारे पास होम टैब में होम टैब में न्यू स्लाइड ऑप्शन हमारे पास मिलेगा नहीं तो हमारे पास ये डायरेक्ट हमें भी डायरेक्ट मिलता है ऑप्शन न्यू स्लाइड ऑप्शन आप देख सकते हैं फोर पॉइंट वन एग्जाम्पल में न्यू स्लाइड एक रेड बॉक्स में आपको शो कर रहा है ये चूज एनी लेआउट फ्रॉम द डिस्प्ले गैलरी अकॉर्डिंग टू योर नीड चूज एनी ले आउट आप ले आउट चूज करते हैं फ्रॉम डिस्प्ले गैलरी मतलब डिस्प्ले गैलरी में से आप कोई भी लेआउट चूज करें अकॉर्डिंग टू योर नीड जो आप जैसे आप क्या सकता है जैसे आपकी फाइल को सूट कर रहा है पावर पॉइंट विल अ न्यू ब्लैंक फॉर्मेटेड विद द लेआउट विद योर विद यू हैव पावर पॉइंट कर लेगा अपनी स्लाइड को न्यू स्लाइड को ब्लैंक स्लाइड को विद लेआउट जैसा आपने लेआउट सेलेक्ट किया है लेआउट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे चेंजिंग द न्यू स्लाइड स्लाइड को हमें चेंज करना है कि हमें स्लाइड का लेआउट कंटेंट जो भी है हमारे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे ले आउट कंटेंट प्लेस होल्डर्स क्या करता है कंटेंट अ प्लेस होल्डर विच टेक्स्ट विच होल्ड टेक्स्ट सच एज टाइटल्स मतलब कि जो कि क्या करता है होल्ड करता है टाइटल्स को और टेक्स्ट को बुलेटेड लिस्ट को एंड स्लाइड कंटेंट सच एज टेबल्स स्लाइड जो टेबल्स के रूप में होती हैं चार्ट्स पिक्चर्स शेप्स क्लिप पार्ट एक्सेट्रा मतलब ये सारा वो होल्ड करता है न्यू स्लाइड यू हैव टू चूज अ ले आउट दैट मेक्स योर रिक्वायरमेंट इच टाइम प्रत्येक टाइम वेन यू इंसर्ट अलाइड जब भी आप स्लाइड को इंसर्ट करते हैं यू हैव चूज एन अ ले आउट आप चूज करते हैं ले आउट जो मेच कर, मैच करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके फाइल के अकॉर्डिंग जैसी आपकी जरूरत है यू हैव नीट द लेआउट कैन बी मॉडिफाई दॉर्मल व्यू और स्लाइड शॉर्ट व्यू जो लेआउट है वो हम क्या कर सकते हैं बी मॉडिफाई भी कर सकते हैं आफ्टर देन कि की उसमें नॉर्मल व्यू में है कि स्लाइड ऑल्टर व्यू में है हमें उसको चूज करना है तो हम क्या करेंगे सेलेक्ट स्लाइड ऑल्टर व्यू ऑप्शन ऑन द व्यू टैब व्यू टैब में जाएंगे स्लाइड ऑर्टर व्यू हम इसको सेलेक्ट करेंगे आफ्टर हमें ये ऑप्शन में भी हमें बाहर शॉर्टकट की के रूप में या शॉर्टकट फॉर्म के रूप में हमें अवेलेबल रहता है चूज द स्लाइड शोल्टर हुआउट वॉन्ट टू चेंज हु स्लाइड मतलब की जो स्लाइड हमें चेंज करनी है हु आउट वॉन्ट टू चेंज इसका हमें ले आउट चेंज करना है क्लिक द लेआउट बटन इन द स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टेब होम टेप में जाएंगे स्लाइड ग्रुप में जाएंगे आफ्टर देन क्लिक ऑन लेआउट बटन ले आउट बटन पे हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट द ले आउट अकॉर्डिंग टू योर नीट सेलेक्ट द लेआउट लेआउट को सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग डिस्प्लेड लिस्ट ऑब्जर्व द चेंज इन द एग्जिटिंग स्लाइड्स जो भी हमारी, हम हमारी फाइल है, तो है जो चेंजेस किया है लेआउट में वो हम रिअरेंज हम हम कर सकते हैं देख सकेंगे क्विक व्यू में आप देख सकते हैं कि प्रेस कंट्रोल प्लस एम टू इंसर्ट अलाइड मतलब की अगर आपको न्यूज स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसकी एक शॉर्टकट की है कि बोर्ड में हम डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एम करते हैं देन वी री इंसर्ट अ न्यूज स्लाइड एडिटिंग टेक्स्ट द टेक्सट यू टाइप इन अ प्लेस होल्डर सच एज अ टाइटल जो आप टेक्स टाइटल प्लेस होल्डर में आप टाइप करते हैं सच एज अ टाइटल टाइटल के रूप में सब टाइटल के रूप में कैन बी मॉडिफाई इन अ वेराइटीज ऑफ वे कैन बी मॉडिफाई हम उसको मॉडिफाई करते हैं ऑफ में बहुत से प्रकार में सेलेक्ट द द स्लाइड इन यू टू एडिट टेक्स्ट सब फर्स्टली हमें स्लाइड को को सेलेक्ट करना पड़ेगा इन यू टू एडिट द टेक्स्ट टेक्स्ट एडिट करने के लिए क्लिक ऑन द टेक्स्ट फर्स्टली हमें क्लिक करना पड़ेगा टेक्स्ट पे जो हमें उसको मॉडिफाई करना है अ प्लेस होल्डर विदर्सर इन साइड इट विल अपियर अ प्लेस होल्डर विद कर्सर वो हमें हमारे सामने अपियर हो जाएंगे नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्स एंड द सेव इट नाउ जैसे आपको मतलब रिक्वायर्ड है कि आपको कैसा चेंजेस करने हैं टेक्स में कैसा टेक्स्ट रखना है कैसा उसका फोर्ट रखना है क्या कलरिंग करनी है जो भी है वो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं आपके रिक्वायर के अनुसार एंड देन सेव इट सेव कर लीजिए मूविंग मूविंग द टेक्सट दिस फीचर इज यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये फीचर्स टेक्स्ट को मूव करने के, के लिए हम इसका यूज करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह यू कैन ऑल्सो मूव द ऑब्जेक्ट्स यू कैन ऑल्सो मूव द ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को भी हम मूव कर सकते हैं ऑन द सेम स्लाइड सेम स्लाइड और बिटवीन डिफरेंट स्लाइड्स मतलब सेम स्लाइड में भी कर सकते हैं डिफरेंट स्लाइड्स में भी कर सकते हैं फॉलो दिज स्टेप टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स को मूव करना कि हम ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन कट बटन कट बटन पे हम क्लिक करेंगे या फिर हम कंट्रोल प्लस एक्स ऑप्शन को चूज़ करेंगे द ऑब्जेक्ट डिसअपियर फ्रॉम द स्लाइड्स जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है वो स्लाइड से डिसपियर हो जाएगा लाइक like दैट आप एग्जांपल देख सकते हैं फर्स्टली हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है उस पर हमने रेड एरो शो कर रहा है हमने उसको कट कट ऑप्शन का यूज़ किया आफ्टर देन प्लेस द कर्सर कर्सर को प्लेस करें आफ्टर द लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट में ऑन द सेम स्लाइड, सेम साइड में कर्सर को लास्ट पॉइंट पे प्लेस करें क्लिक ऑन द पेस्ट बटन वहां जाके हम क्या करेंगे कि पेस्ट ऑप्शन है पेस्ट बटन है या फिर कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी हम कीबोर्ड से हम उसको चूज कर सकते हैं डायरेक्ट द अलग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट विल अपियर दैट एट कर्सर पोजिशन जहां पे हमने कर्सर को रखा है लास्ट पोजिशन पे लास्ट पॉइंट पे वहां पे जो हमने जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से जो हमने कट किया था वो नीचे हमें शो करेगा ऊपर से जो हमने कट किया वो नीचे आके पेस्ट हो जाएगा और हमें शो करेगा ये होता है मूविंग टेक्स्ट कॉपिंग टेक्स्ट कॉपी कैसे करता है यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट एनी वे ऑन स्लाइड मतलब आप स्लाइड पे कहीं पे भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं बिटवीन स्लाइड फ्रॉम वन फाइल टू अनदर मतलब कि एक फाइल से दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं दिस फीचर्स हैव टू रिड्यूसिंग अ टाइम एंड द टाइपिंग जिससे क्या होता है कि हमारा जो टाइपिंग का जो टाइमिंग है और जो वो एफर्ट्स है हमारे जो वो हमारे बच जाते हैं रिड्यूसिंग हो जाते हैं कम हो जाते हैं मतलब क्योंकि हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है तो हमारा वो टाइम हमारा बच जाता है कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन डुप्लीकेट दीक्ट फाइल्स सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फर्स्टली हमें जो जो कॉपी करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन कॉपी बटन कॉपी बटन पे हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल या फिर हम कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन को यूज करेंगे कॉम्बिनेशन से प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट जहां पे हमें उसको कॉपी करना है उसको हम वहां कर्सर को प्लेस करेंगे क्लिक ऑन पेस्ट पेस्ट बटन, पेस्ट बटन या फिर हम ऑप्शन को को चूज करेंगे। जहां जो जो भी हमारी है, 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 हमने कर्सर रखा वहां हमारा ऑब्जेक्ट हाँ वो वहां पेस्ट हो जाएगा इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स समटाइम यू मे वॉन्ट टू एड अ मोर टेक्स एरिया प्रोवाइड यू मे वॉन्ट आप चाहते हैं कि एड मोर टेक्स्ट। टेक्स्ट और भी ऐड हो जाए इसमें देन एरिया प्रोवाइड फॉर एंट्रिंग एंट्रिंग टेक्स्ट, जो एरिया हमें प्रोवाइड किया है जिसमें हमें टेक्स्ट को एंटर करना है टेक्स्ट बॉक्स इज़ अ प्लेस होल्डर टेक्स बुक्स क्या एक प्लेस होल्डर की तरह वेर यू कैन एंटर एंड मेन्यूपलेट टेक्स जहां पे आप टेक्स को क्या कर सकते हैं एंटर कर सकते हैं एंड मेन्यूप्लीट कर सकते हैं Means उसको डिलीट एडिंग सब रीअरेंजिंग एडिटिंग उसमें फॉर्मेटिंग कुछ भी कर सकते हैं यू कैन मूव द टैक्स बॉक्स अलॉन्ग विदेंट और टेक्स एनी वेयर ऑन द स्लाइड यू कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स आप टेक्स्ट बॉक्स को मूव करते हैं अलोंग विदेंट कंटेंट के साथ एनी वेयर ऑन द स्लाइड स्लाइड में कहीं पे भी क्लिक ऑन स्लाइड बटन न्यू स्लाइड बटन हमें इंसर्ट करना है स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब डायरेक्ट ऑप्शन भी होता है हमारे सामने और हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं होम टैब में जाके स्लाइड ग्रुप में जाके आफ्टर देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड एंटर दाइटल हम टाइटल एंटर करेंगे एक्टिविटीज ऑफ मंथ मतलब कि जो हमारी एक्टिविटीज ऑफ मंथ्स है हम वो एंटर करेंगे क्लिक क्लिक ऑन टू ऐड मतलब अब हम सब टाइटल पे क्लिक करेंगे प्लेस प्लेस होल्डर इन स्लाइड मतलब जो हमारा प्लेस होल्डर अवेलेबल होता है स्लाइड में टाइप द गिवन टेक्स्ट क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स टूल टेक्स्ट बॉक्स टूल पे हम क्लिक करेंगे इन द टेक्स्ट ग्रुप इन इंसर्ट टेप्ट फर्स्टली हम इंसर्ट टैब में जाएंगे टूल ड्रैग माउस एंड रिलीज व्हेन यू आर डन मतलब आपका काम कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका पास क्या आएगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा विद इंसर्शन ऑफ पॉइंट इन इट एंटर द टेक्स्ट जनवरी आप वहां पे क्या लिखेंगे उस प्ले उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप क्या लिखेंगे आपको टाइप करना है इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स में कुछ देन हम वहाँ राइट करेंगे राइट करेंगे जेन्यूरी इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लॉन्ग टेक्सट इन सिर्फ टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इन विद लॉन्ग टेक्स्ट बड़े बड़े टेक्स्ट uh, में सिफ्ट ऑन द नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट लाइन में सिफ्ट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स अपियर इन द स्लाइड नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड टैब बट नॉट इन आउटलाइन टैब आउटलाइन टैब में हम जो मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स अपीयर इन स्लाइड पेन फॉर नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड टैब ऑन द स्लाइड टैब बट नॉट आउटलाइन टैब रीअरेंजिंग द स्लाइड्स क्लिक ऑन द स्लाइड शॉर्टर बटन ऑन द व्यू टैब क्लिक ऑन द स्लाइड शॉर्टर बटन स्लाइड शॉर्टर बटन पर हम क्लिक करेंगे व्यू टैब में सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वॉन्ट टू मूव मतलब जो हमें स्लाइड को मूव करना है उसको सेलेक्ट करेंगे ड्रैग द सेलेक्टेड स्लाइड टू न्यू लोकेशन जहाइड को वहां ले जाएंगे जहां हमनेटिकल बारियर टू स्लाइडर यू स्लाइड मूव्डर्टिकल एक वर्टिकल बार अपियर हो जाएगा स्लाइड इज मूव मतलब की जहाँ पे हमें उस स्लाइड को मूव करना है सिमिलरली यू कैन रीअरेंज द स्लाइड इन दउटलाइन टाइप आप स्लाइड को आउटलाइनिंग टाइप में आप रीअरेंज कर सकते हैं इंसर्टिंग क्लिप आर्ट क्लिप आर्ट इज़ यूज टू एड पिक्चर्स इन द स्लाइड्स क्लिप आर्ट का यूज़ इसलिए होता है जो हम हमें जिस लोकेशन में हमें जिस रेफरेंस में हमें पिक्चर्स चाहिए किसी भी थ्रू जैसे कुछ म्यूजिक के अकॉर्डिंग हो गया कुछ ग्राफ्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स कुछ भी कोई एनिमल्स की कुछ भी वो हमें सारी क्लिप आर्ट्स में अवेलेबल रहती है यू कैन एड क्लिप आर्ट टू द एग्जिटिंग स्लाइड्स और क्रिएट अ स्लाइड कंसिटिंग ऑफ क्लिप आर्ट ऑनली मतलब कि आप यू कैन ऐड मतलब आप ऐड कर सकते हैं क्लिप आर्ट से पिक्चर्स चाहे वो फाइल बनी हुई हैं पहले से एग्जिटिंग फाइल्स हैं या आप करंटली न्यू फाइल ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्लिप आर्ट का यूज करके आप उसमें आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं प्लेस द कर्सर वे यू वॉन्ट टू इंसर द पिक्चर्स कर्सर को वहाँ प्लेस करना है जहाँ पे आपको पिक्चर्स की नीड है जहाँ पे आपको पिक्चर्स ऐड करनी है फर्स्टली हम क्या करेंगे क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन क्लिप आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे इन द इलिस्ट्रेशन ग्रुप ऑन इंसर्ट में जो इलेस्ट्रेशन ग्रुप है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिप आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे ऑन द राइट साइड पैन ऑफ द विंडो विंडो के राइट right साइड में आपको अवेलेबल रहेगा इन क्लिप आर्ट ऑप्शन टाइप द नेम क्लिप आर्ट दैट यूट टू इंसर्ट उसमें आप सर्चिंग का ऑप्शन होता है उस आप उसमें लिख दीजिए कि आपको कौन सी पिक्चर चाहिए एग्जाम्पल टाइप कंप्यूटर इन सर्च फॉर टेक्स बॉक्स इन क्लिक ऑन गो बटन मतलब आपको अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पिक्चर चाहिए आप राइट कर दीजिए कंप्यूटर एंड गो बटन पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए आपको वो पिक्चर्स अवेलेबल हो जाएगी इट विल डिस्प्ले द क्लिप आर्ट इमेज रिलेटेड द कंप्यूटर इट विल डिस्प्ले वो डिस्प्ले हो जाएगी क्लिपकार uh, से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स है वो क्लिपकार बटन में ऑप्शन में हमें अवेलेबल हो जाएगी यू कैन ऑल्सो क्लिक द ऑर्गनाइज क्लिप्स ऑप्शन टू व्यू द ऑल क्लिप आर्ट इमेज स्टोर इन अंप्यूटर यू कैन ऑल्सो क्लिक आप ऑर्गनाइज क्लिप्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से इमेजेस स्टोर्ड है क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट दैट यू वॉन्ट टू इंसर्ट क्लिप क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट दैट यू वॉन्ट इंसर्ट आप क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और जो भी आपको पिक्चर्स एड करनी है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं वर्किंग विद द वर्ड आर्ट पहले हमने रीड आउट किया क्लिप आर्ट अब हम रीड आउट कर रहे हैं वर्ड आर्ट वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट में डिफरेंस है वर्ड आर्ट फीचर्स हैव टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट टैक्स में जो हमारे टेक्स्ट हैं जो हम टाइपिंग करते हैं उसमें उनमें इफेक्ट डालता है इट गिव्स अ यूनिक बुक टू द टैक्स ये बुक्स को यूनिक बनाता है यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन मेक द टेक्स्ट टैक्स वेवी शेडो कर्व्ड और अप्लाई थ्री डी इफेक्ट ऑल्सो ये जो वर्ड आर्ट का इफेक्ट है ओनली वो टेक्स्ट पे डाला जाता है वर्ड आर्ट मेक अ टेक्स्ट मतलब जो हमारे टेक्स्ट हैं जो हमारे वर्ड्स वर्ड हम जो टाइप कर रहे हैं वो कर्ड हो सकते हैं वेवी भी हो सकते हैं शेडो कर्व्ड और थ्री डी अप्लाई ऑल्सो इफेक्ट क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट बटन फर्स्टली हम क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट बटन पे इन द टेक्स्ट ग्रुप इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब में जाएंगे टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन यू फ्रॉम द वर्ड आर्ट गैलरी आप वर्ड आर्ट गैलरी में से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए टाइप कीप्स प्रेजेंटेशन इन अ प्लेस होल्डर इन द टेक्स्ट क्लिक द टेक्स्ट विल ड्रॉप फ्लिप फिल ड्रॉप पर आप जाएंगे एरो पे एंड वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप फॉर्मेट टैब फॉर्मेट टैब वर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप एंड टेक्स्ट विल ये सारे सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक ऑन द टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो मतलब आप जो जो टेक्स की आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो है उसको भी चूज करेंगे चूज द डिजायर्ड आउटलाइन मतलब जो आउटलाइन आपको चाहिए आप उसको चूज कर लीजिए नाउ क्लिक द टेक्स इफेक्ट ड्रॉप डाउन एरो ड्रॉप डाउन एरो में जाके आप उसको क्लिक uh, कर दीजिए टेक्स में जो आपको इफेक्ट डालना है पॉइंट टू द ग्लो ऑप्शन एंड क्लिक द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द ग्लो वेरिएशन सेक्शन यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल चेंज इन द टैक्स मतलब आपको टैक्स में जो चेंज करने हैं आप वर्ड आर्ट में जाके आप वो चेंजेस कर सकते हैं इंसर्टिंग शेप्स हमने पहले इमेज एड किए एडिटिंग की सारा वर्ड्स में चेंजेस किए टेक्सट में वर्ड आर्ट का यूज किया अब हम करेंगे इंसर्टिंग शेप्स शेप्स इज अ ड्राॅइंग फीचर्स दैट हेल्प टू इन ड्राॅइंग डिफरेंट शेप्स शेप कैन भी रिसाइज डॉटेड फिप्ड फ्लिप्ड एंड कर्व्ड कलर्ड क्लिक ऑन द शेप बटन द इलिस्ट्रेशन ग्रुप इंसर्ट टैब शेप बटन हमें कहाँ अवेलेबल होगा इंस्टर्ट टैब में इस्ट्रेशन ग्रुप में हम शेप्स बटन पे क्लिक करेंगे अ पॉप अप मेन्यू विल डिस्प्ले ऑप्शन लाइक लाइन्स रेक्टेंगल फ्लो चार्ट एक्सेट्रा अब पॉप अप मेन्यू विल भी डिस्प्ले मतलब एक पॉप अप मेन्यू आएगा हमारे पास उसमें हमें लिखा ऊपर से अवेलेबल होगा वो जिसमें जिसमें ये सारे ऑप्शन होंगे जिसमें हमें इंसर्टिंग शेप्स शेप्स इज दीचर्स डेट हेल्प डिफरेंट शेप्स ये हमारी ड्राइंग को इफेक्टिव बनाता है देख सकते हैं इसको रोटेट में फ्लिप्ड में कर्व में कलर्ड में ये सारे हो सकते हैं क्लिक क्लिक ऑन द सेम बटन इन इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब में जाएंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे और शेप्स बटन पे क्लिक करेंगे अब पॉप अप मेन्यू विल डिस्प्ले ऑप्शन लाइक लाइन्स रेक्टेंगल्स फ्लो चार्ट पॉपअप मेन्यू में हमें शो करेंगे लाइन्स में चाहिए हमें शेप रेक्टेंगल में चाहिए फ्लो चार्ट में चाहिए ये सब पॉइंट टू बेसिक शेप्स एंड मूव द पॉइंटर टू सेलेक्ट अ स्माइली फेस एंड क्लिक ऑन इट पॉइंट टू बेसिक शेप्स हम पॉइंट करेंगे बेसिक सेप्स पर एंड मूव टू पॉइंटर हमारा जो पॉइंटर है जो हमारा जो माउस है उसको सेलेक्ट करेंगे स्माइली फेस पे क्लिक करेंगे पॉइंटर चेंज टू प्लस साइन टू ड्रैग प्लस साइन होता है जिससे हम ड्रैग करेंगे पॉइंटर एंड कैन स्लाइड टू गेट द स्माइली फेस और स्लाइड पे हमारे स्माइली फेस को ड्रॉ कर देंगे नोट टू रीसाइज शेप सलेक्टेड रिसाइज करने के लिए यू विल फाइंड द एट हैंड्स अराउंड इट द प्लेस माउस पॉइंटर एनी हैंडल द पॉइंटर चेंज टू डबल हेडेड एरो ड्रैग देंडल एंड टू इनक्रीज एंड डिक्रीज मतलब कि हम डबल क्लिक करके उसके जो साइज को अप एंड मतलब कि रिसाइज कर सकते हैं छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं यूजिंग अडो इफेक्ट इन एडिशन टू एडिंग टेक्सचर एंड कलर यू कैन अप्लाय शेडो इफेक्ट ऑन शेप ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमारा शेप्स हैं हमारे उसमें हम उसमें शेडो का भी यूज कर सकते हैं मेक द शेप्स लुक लाइक इम्प्रेसिव जिससे कि हमारा शेप्स है वो इम्प्रेसिव शो करता है रखा है तो हम स्माइली को क्लिक करेंगे एंड ड्राइंग ग्रुप होम टेप एंड सेलेक्ट शेडो ऑप्शन होम टेब में जाके हम शेडो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्लिक द ऑफसेट सेंटर इन द आउटर सब ऑप्शन टर ऑफ साइड सेंटर पर जाएंगे एंड आउटर सब ऑप्शन शेडो मतलब जो हमारा जो हमने स्माइली सिलेक्ट किया है वो हमें शेडो के रूप में हमें शो करेगा टू हैव अ डिफरेंट शो शेडो कलर्स मतलब कि इसमें भी कलर्स में शो करता है सेलेक्ट शेडो फ्रॉम द शेप इफेक्ट पॉप अपन एंड क्लिक द शेडो ऑप्शन सलेक्ट एनी कलर फॉर्मेट सिमिलरली यू कैन वर्क द्री डी रोडिशन मतलब जैसे शेडो क्या यूज किया है वैसे हमारे थ्री डी थ्री डी ऑप्शन में आता है प्रेजेंट ऑन अ शेप इफेक्ट पॉपअप मेन्यू मतलब कि हम इसमें थ्री का भी इफेक्ट कर डाल सकते हैं